हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर डीएस इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल ऑन कोविड-19, यानी कि कोविड-19 पर लेख या कोरोना वायरस पर लेख। यहाँ आर्टिकल क्लास 9th-12th वाले विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए करते हैं शुरुआत आर्टिकल ऑन कोविड-19 की। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 इस पेंडेमिक, यानी कि जैसे ही कोरोना वायरस आया या बड़ा ही दुखदाई या दर्द भरा रहा। कोविड-19 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना, यानी कि कोविड-19 को सबसे पहले चाइना के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में देखा गया। कोविड-19 इज नाउ एक्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि कोविड-19 ने दुनिया में एक बड़ी संख्या में लोगों को मारने का कारण बना, या इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे। फीवर कप स्नीज एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि बुखार, खांसी, छींक और श्वास की कमी, ये सभी मिलते जुलते लक्षण हैं कोविड-19 के। इट प्राइमरली अफेक्ट्स अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। यहाँ इट प्राइमरली, यानी कि सबसे पहले यहाँ हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है एंड डैमेजेस इट, और उसी को क्षतिग्रस्त करता है। कोरोना वायरस कैन स्प्रेड थ्रू द कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि कोरोना वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, या फिर जो भी संक्रमित व्यक्ति हो उसके साथ रहने से या उसके टच में आने से फैल जाता है। ए हेल्थी पर्सन में गेट इन्फेक्टेड, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है बाय ब्रेथिंग द वायरस इफ ही इज विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑफ कोविड-19 पेशेंट, यानी कि अगर कोविड-19 का कोई मरीज हो और उससे 1 मीटर की दूरी ना रखी जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति भी श्वास के द्वारा संक्रमित हो सकता है। वॉश हैंड विद सोप और सैनिटाइजर, यानी कि हाथों को धोए साबुन और सैनिटाइजर से। कवर नोज एंड माउथ, यानी कि मुंह को ढक के रखें, नाक और मुंह को ढक के रखें वाइल कपिंग और स्नीजिंग, यानी कि जब भी आप छींकें और खांसें। कोविड-19 हैज स्टॉप द होल वर्ल्ड, यानी कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को रोक दिया है। इट इज नेसेसरी दैट वी कम आउट दिस सिचुएशन एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी कि इस परिस्थिति से हम जितना जल्दी संभव हो सकेगा हम बाहर निकल जाएंगे। यहाँ कोविड-19 का जो आर्टिकल है क्लास 9th-12th वाले विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो प्रीबोर्ड परीक्षाएं चल रही है उनमें भी यह आया हुआ है, और सभी विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थी है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका अच्छे से हिंदी ट्रांसलेट करके देखा गया है, और आप इसको सही से याद करेंगे तो आपको पूरे 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे। और होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप अपने मित्रों के पास भी इसको शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।